जीरो सॉन्ग आउट, हुस्न परचम, कैटरीना कैफ ने लहराया हुस्न परचम, नहाते हुए भागे बौआ सिंह। आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और सलमान खान के साथ साल का चार्ट बास्टर इश्कबाजी रिलीज करने के बाद अब जीरो का दूसरा सॉन्ग हुस्न परचम रिलीज हो चुका है। इसमें कैटरीना कैफ का डांसिंग अंदाज काफी जुदा है। कैटरीना कैफ इस गाने में सुपरस्टार बबीता कुमारी के रूप में दिखाई दे रही हैं। कैटरीना कैफ ने जैसा डांस किया है उसे देखने के बाद आप भी हुस्न परचम का सॉन्ग गुनगुनाने पर मजबूर हो जाएंगे। गाने में कैटरीना कैफ जेब्रा प्रिंट क्रॉप टॉप और चमकीली शर्ट स्कर्ट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जीरो फिल्म के इस सॉन्ग को लेकर शाहरुख खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, दीवानों की ये भीड़ अब ना होगी कम, आ गई है बबीता कुमारी लहराने परचम। साल का सबसे सिजलिंग सॉन्ग हुस्न परचम रिलीज हुआ। गाने को कोरियोग्राफ करने वाले बॉस्को मार्टिस ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, मुझे इस गाने का हिस्सा होने के लिए काफी खुशी है। बता दें, शाहरुख खान को बौने बौआ और कैटरीना कैफ को बॉलीवुड सुपरस्टार यानी कि बबीता कुमारी के रूप में दिखाया गया है। वैसे भी आनंद एल राय देसी टच वाली फिल्में बनाने के लिए पहचाने जाते हैं और देसी टच पूरी तरह से फिल्म में नजर भी आ रहा है। इससे पहले रिलीज हुए इश्कबाजी सॉन्ग में कैटरीना कैफ शाहरुख खान को किस करती हुई दिखी तो शाहरुख खान कहते अपने अंदाज में डायलॉग मारते हुए बोले, ओए दुनिया वालों, तुमने लाइफ में मेरी कभी इज्जत नहीं की, ये देखो बौना जा रहा है, ये देखो बौना आ रहा है। आज उसी बौने को बबीता कुमारी ने ओठों पर चूम लिया है। शाहरुख खान कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की जीरो 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है और इसे लेकर जबरदस्त हाइप भी है। फिल्म में वीएफएक्स कमाल का है और इसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जाता है। वैसे भी शाहरुख खान को एक हिट फिल्म की दरकार है क्योंकि काफी समय से बॉक्स ऑफिस पर वे अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। जीरो के इश्कबाजी सॉन्ग को लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फिल्म का म्यूजिक अजय अतुल ने दिया है। दोस्तों, कैटरीना कैफ बेहद शानदार डांसर है, इसमें तो कोई शक नहीं, और अब उन्होंने शाहरुख खान पर भी अपना हुस्ने परचम फहरा दिया है। जी हाँ, दरअसल शाहरुख खान आजकल जीरो के इस नजर आ रहे हैं। गाना आज रिलीज होगा लेकिन शाहरुख पर कैटरीना कैफ का जादू चल चुका है। गाने से शाहरुख ने कैटरीना की एक और तस्वीर शेयर की है। कैटरीना की ये बेहद हॉट तस्वीर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने कहा, हुस्ने परचम का मतलब होता है वो जिसकी खूबसूरती का डंका दुनिया माने, लेकिन कुल मिलाकर इसका मतलब बस ये होता है। और इतना कहते हुए शाहरुख ने कैटरीना कैफ की ये तस्वीर शेयर कर दी है। दोस्तों, वहीं इससे पहले गाने का एक छोटा सा टीजर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने बताया था कि जीरो का ये गाना जल्द ही रिलीज हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये गाना आज ही रिलीज हो जाएगा और इससे पहले जीरो के 2 गाने रिलीज हो चुके हैं। शाहरुख और अनुष्का के रोमांस की गवाही देता हुआ मेरा नाम तू गाना और शाहरुख और सलमान के रोमांस की गवाही देता इश्कबाजी। दोस्तों, अब फिल्म से जीरो के तीसरे किरदार यानी कि बबीता से दर्शकों के रूबरू होने की बारी है। फिल्म में कैटरीना कैफ एक हीरोइन के किरदार में है जिसका नाम बबीता है और जिसके सब दीवाने। वैसे भी कैटरीना कैफ के डांस का हर कोई दीवाना रहता ही है। हाल ही में आई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अगर कुछ देखने लायक था तो वो था कैटरीना कैफ का डांस। और दोस्तों, इस गाने के लिए कैटरीना कैफ ने काफी मेहनत भी की थी। उनके डांस के बारे में बात करते हुए सलमान एक बात बता चुके हैं कि टाइगर जिंदा है में मैंने कैटरीना कैफ को माशाल्लाह के लिए रिहर्सल करते देखा तो देखता ही रह गया था, वो हर गाने में अपनी जान लगा देती हैं। सलमान की इस बात से तो हम भी पूरी तरह से सहमत है कि कैटरीना कैफ अपने डांस में अपनी पूरी जान लगा देती है और यही कारण है कि उनके डांस नंबर का जवाब नहीं है। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको उनके करियर के बेस्ट डांस नंबर और शानदार लुक्स। दोस्तों, हाल ही रिलीज हुई उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जिसमें एक गाना था मंजूरे खुदा
और इस गाने में कैटरीना कैफ के लुक को देखकर हर कोई उन्हें बस निहारता रह गया था। पाँव में पाजेब और आलता के साथ उनका ये शानदार अवतार सबको बेहद पसंद आया था। दोस्तों, उनकी फिल्म बार बार देखो भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन उनका गाना काला चश्मा बेहद सुपरहिट रहा और कैटरीना कैफ के इस गाने ने हर जगह धूम मचा दी थी और वही सभी दुल्हनों के लिए ये अब जरूरी पोज बन चुका है। दोस्तों, धूम 3 में कैटरीना ने कमली गाने से इन सब के आगे एक और नगीना जोड़ा एक्रोबैट डांसिंग का, और कमली के 4 मिनट तो कौन भूल सकता है भला। दोस्तों, वहीं उनका गाना माशाल्लाह। अब बाकी थी कैट की बेली डांसिंग और उनके माशाल्लाह अफगान डांस ने ये कसर भी पूरी कर दी। दोस्तों, बेली डांसिंग तो छोड़िए, शाहरुख खान के साथ इश्क शवा पर उनकी टैप डांसिंग कौन भूल सकता है। दोस्तों, वहीं अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का एक नंबर सॉन्ग गले लग जा दे दनादन फिल्म का, और हमें ऐसा लगता है कि जितने शानदार दोनों इस गाने में लगे हैं आज तक और किसी गाने में नहीं लगे हैं। दोस्तों, वहीं कैट का सबसे हिट गाना था जस्ट चिल, और इस गाने ने तहलका मचा दिया था। हालांकि फिल्म की तरह गाने में भी कैट क्यूट लगी थी। दोस्तों, वहीं कैट का एक क्यूट सा गाना था जी करदा, सिंगिंग स्कीम का जी करदा। हालांकि कैट ने अक्षय कुमार के साथ बखूबी मैच किया था, और दोस्तों जरा जरा टच मी कैट का सबसे सेंसेशनल अवतार था। रेस के जरा टच मी गाने में वो इतनी हॉट लग रही थी कि लोगों की नजर ही नहीं हट रही थी। दोस्तों, वहीं शीला की जवानी, यहां से शुरू हुआ कैट के आइटम नंबर का कहर जो इतना दमदार था कि पूछिए मत। और दोस्तों, शीला का खुमार उतरा भी नहीं था कि कैट पौवा चढ़ा कर आई और चिकनी चमेली ने सबको मदहोश कर दिया। और दोस्तों, कैटरीना कैफ एक बार फिर अपने हुस्न का परचम लहराने के लिए वापस आ रही हैं। देखते हैं कि जीरो के इस गाने के साथ वो वापस कितनों का होश उड़ाती है। शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ की फिल्म जीरो के नए गाने हुस्न परचम का टीजर रिलीज हो गया। टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा रहा। टीजर की बात की जाए तो इसकी शुरुआत अपने बौआ सिंह के साथ होती है, जिनको उनका दोस्त बताता है कि उनके शहर में बबिता सिंह आ रही है, और उसके बाद दर्शकों को बबिता सिंह की झलक देखने को मिलती है, जिस पर सभी अपना दिल हार बैठते हैं। जीरो के गाने हुस्न परचम के टीजर वीडियो में कैटरीना कैफ का बेहद सेक्सी अंदाज देखने को मिल रहा। हुस्न परचम में कैटरीना के अलावा रोमांस के किंग शाहरुख खान भी नजर आ रहे हैं। फिल्म के गाने अभी तक फैंस के बीच जमकर वाह वाह लूट रहे हैं। कैसा है शाहरुख खान का रोल फिल्म में? इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक शाहरुख खान स्टारर जीरो के डायरेक्टर आनंद राय का कहना है कि किंग खान ने अपनी फिल्मों में बड़ी से बड़ी हीरोइन के साथ भले ही रोमांस किया हो, लेकिन जीरो में उन्होंने शाहरुख खान को जिंदगी के साथ रोमांस करवाया। इस फिल्म में किंग खान एक बौने व्यक्ति बौआ सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में प्यार की तलाश में जुटा हुआ है। फिल्म में अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी है। आनंद राय ने एक इंटरव्यू में कहा, फिल्म किसी भी तरह के अधूरेपन के बारे में है, चाहे वो भावनाओं का अधूरापन हो या शारीरिक, लेकिन इसका खुशी से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म जिंदगी की किसी भी तरह से मजा लेने के बारे में है। ये फिल्म मुझे सपने में होने का एहसास कराती है। व्हील चेयर पर रहकर मैं आपसे ज्यादा खुश व्यक्ति हो सकता हूँ। ये सभी कमियों और कमजोरियों को स्वीकारने और जिंदगी का जश्न मनाने के बारे में। आनंद राय ने कहा कि भले ही फिल्म का मुख्य किरदार बौना है और अनुष्का सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित महिला की भूमिका में है, लेकिन वो नहीं चाहते कि दर्शक उनके प्रति सहानुभूति रखें। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस, सलमान संग इश्कबाजी करते दिखे बौआ, फिल्म जीरो का नया गाना इश्कबाजी रिलीज कर दिया गया है, जो कि इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। इसमें बौआ सिंह बने शाहरुख खान जमकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। गाने में सलमान खान, गणेश आचार्य की भी झलक देखने को मिलती है। गाने के बोल के साथ इसके बीट्स भी शानदार हैं, जो दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, छोटे पर्दों से फिल्मों में कदम रखने वाली अभिनेत्री मौनी रॉय इन दिनों खूब डिमांड में है। अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड के बाद वो रणवीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र की शूटिंग कर रही हैं, और इसी बीच उन्हें कन्नड़ा फिल्मों के सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म केजीएफ में एक डांस नंबर का न्योता भेजा। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर और कैनवास देखने के बाद मौनी गाना करने के लिए तैयार भी हो गई। केजीएफ में सुपरहिट फिल्म त्रिदेव के गाने गली गली में फिरता है को रिक्रिएट किया गया है। इस गाने को कोरियोग्राफ किया गणेश आचार्य ने। दोस्तों, गणेश बताते हैं, फिल्म त्रिदेव के गाने के दौरान मैं बैकग्राउंड डांसर था, और आज इतने सालों के बाद उसी गाने को मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। गाने की शूटिंग के दौरान हुई बातचीत में फिल्म के अभिनेता यश ने कहा, केजीएफ
गोल्ड माइनिंग की कहानी है, जिसमें भरपूर ड्रामा, इमोशन, एक्शन और फुल ऑन मनोरंजन देखने को मिलेगा। मैंने अपने करियर में आज तक किसी फिल्म को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया है, लेकिन प्रमोशन के दौरान जब लोगों का प्यार मिल रहा है तो मजा भी आ रहा है। मोनी बताती है, मैंने इस फिल्म में फिल्म त्रिदेव का सुपरहिट गाना गली गली में फिरता है पर परफॉर्म किया है। ये गाना मेरा फेवरेट भी रहा है। मैंने फिल्म के दोनों ट्रेलर देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों वहीं यश बताते हैं, वैसे तो ये गाना पूरी तरह मोनी का है, लेकिन हमारे डांस मास्टर गणेश आचार्य ने मेरे लिए भी गाने में जगह बनाई है, तो मैं भी आपको इस गाने में नजर आऊंगा। दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जीरो के साथ रिलीज हो रही अपनी फिल्म के बारे में यश कहते हैं, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बार बार उनकी फिल्म का नाम लेकर कुछ कहना नहीं चाहता हूं, वरना लोग यही कहेंगे कि अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए मैं शाहरुख और उनकी फिल्म जीरो के नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। त्योहार पर एक साथ दो या तीन फिल्म रिलीज होने में कोई समस्या नहीं है, हर समय दो से तीन फिल्मों की जगह आराम से होती है। फिल्म के बारे में अगर अच्छी बात हो रही है तो दर्शक फिल्म जरूर देखते हैं, और त्योहार के मौके पर दो से तीन फिल्मों की रिलीज पर प्रतियोगिता तो होती ही रहती है। दोस्तों साथ ही साथ यश कहते हैं, हमारी फिल्म रीजनल नहीं बल्कि इंडियन फिल्म है। कोई फर्क नहीं पड़ता फिल्म रीजनल है या क्या है, अगर आपकी कहानी अच्छी है और दर्शकों को पसंद आ रही है तो बाकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों फिल्म KGF 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज हो रही है। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार है और आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीक्राद स्टूडियोज के साथ।